हेलो एवरीवन, मैं हूँ रुचि और डू इट विद रुचि में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि गर्मी का मौसम आ गया है, तो ये मौसम होता है आइसक्रीम और कुल्फी खाने का। तो मैं आ गई हूँ आपके लिए कुल्फी की रेसिपी लेके। तो ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होती है। आप इसको एक बार घर में बना के खाएंगे तो आप बाजार की कुल्फी खाना भूल जाएंगे, और इसमें कोई भी झंझट नहीं होता, बहुत ही आसानी से फटाफट से बन के तैयार हो जाती है। तो आइए देखते हैं कैसी बनती है ये कुल्फी। तो कुल्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 ग्लास दूध लिया है, रूम टेम्परेचर का ही दूध लेंगे। एक किसी बर्तन में 2 ग्लास दूध डाल देंगे और अब हम गैस पे इसको रख देंगे। तो इसको हमें क्या करना है, दूध को पकाना है। जैसे कि हमने 2 ग्लास दूध लिया था, तो 1 ग्लास दूध रखना है। बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे, जो इसके किनारों पे मलाई जमती है वो छुटाते रहेंगे, और इसको हम इसकी हाफ क्वांटिटी में कर लेंगे। तो जब इसकी हाफ क्वांटिटी रह जाएगी, 2 ग्लास का 1 ग्लास, तो मैंने यहाँ पर आधी कटोरी मावा लिया है, वो डाल देंगे इसमें। मावा या खोया भी बोलते हैं इसको, और इसको हम मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर 1 कटोरी चीनी लेंगे, शक्कर, तो ये डाल देंगे। और जब हमारा मावा और चीनी अच्छे से मिल जाएगी, तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो मावा और चीनी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैंने यहाँ पर 7-8 इलायची ली थी छोटी वाली, उनको कूट के मिक्स कर दिया है, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जो हमारा मिश्रण था कुल्फी जमाने के लिए, वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है पूरी तरीके से। तो मैंने यहाँ पर ये इसके कॉफ़ी वाले ये कप लिए हैं थर्माकोल के, तो मैं इन्हीं में जमा रही हूँ क्योंकि मेरे पास कुल्फी मोल्ड नहीं है। अगर आपके पास कुल्फी मोल्ड है तो आप कुल्फी मोल्ड में भी इसको जमा सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पर कुल्फी मोल्ड नहीं था, तो मैं ऐसे कप लिए हैं मैंने, इन्हीं में मैं अपनी कुल्फी को जमाऊँगी। अगर आपके पास कुल्फी मोल्ड नहीं है तो आप ये ट्रिक अपना सकते हैं, और इसी तरीके से पूरे जितने भी कप हैं सब मैं फिल कर देंगे। और मैंने यहाँ पर फॉइल पेपर लिया है, फॉइल पेपर ऊपर से लगा देंगे। इससे क्या होगा, जो कि पानी की परत सी जम जाती है वो नहीं जमेगी, और कुल्फी हमारी बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी मार्केट जैसी। और इसके ऊपर एक इलास्टिक लगा देंगे, और मैंने यहाँ पर ये आइसक्रीम वाली स्टिक ली है, तो चाकू से हल्का सा हम यहाँ पर निशान बना देंगे और स्टिक लगा देंगे। आप ये पॉप स्टिक बाद में भी लगा सकते हैं, बाद में भी बहुत ही आसानी से लग जाती है, क्योंकि जो कुल्फी हमारी है वो बहुत ही सॉफ्ट रहने वाली है। और इसी तरीके से जितने भी कप हैं हमारे पास, हम सभी में ये फॉइल पेपर लगा देंगे और पॉप स्टिक लगा देंगे, और इसको फ्रिज में रख देंगे जमने के लिए 5 से 6 घंटे के लिए, या आप इसको रात में भी छोड़ सकते हैं पूरी रात के लिए। तो इसी तरीके से लगा देंगे, और अब हम रख देंगे इसको फ्रिज में जमने के लिए, और मिलते हैं जमने के बाद। तो कुल्फी हमारी जम चुकी है बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो इनमें मैंने पॉप स्टिक नहीं लगाई थी, तो मैं बाद में लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये पॉप स्टिक लग जाती है। और इसको हम हाथों से ऐसे राउंड शेप में इसलिए करेंगे क्योंकि जो हमारे हाथों की गर्मी है वो इसमें जाएगी, तो ये बहुत ही आसानी से कप से बाहर निकल आएगी। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से बाहर निकल आई है, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी हमारी कुल्फी बन करके तैयार हुई है। आप इस कुल्फी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया हमारी कुल्फी बनकर तैयार हुई। इसी तरीके से हम अपने सारे कप से कुल्फी बाहर कर लेंगे, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही कुल्फी बाहर करेंगे, बाकी की हम उसी में फ्रिज में रख के छोड़ देंगे। टेस्टी टेस्टी यम्मी कुल्फी तैयार है। आई होप आपको ये रेसिपी जरूर अच्छी लगी होगी, कमेंट करके बताएं मुझे कैसी लगी आपको ये रेसिपी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि जो मेरी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।